हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिम्रांतस्य ज्ञान अंजनी श्लाकया चक्षुरुन मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रव्यं रूपकदमयं ददाति सोपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते, गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते, तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मेरे सामने भगवद गीता के 12वें अध्याय का 20वां श्लोक इत्तफाक से आ गया। मैंने जैसे ही गीता खोली मेरे सामने श्लोक आ गया। श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता 12वां अध्याय और 20वां श्लोक, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते अर्थात भक्ति के अमर रास्ते पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते अर्थात जो भक्ति के अमर मार्ग पर चलते हैं, और कृष्ण आगे जाके कहते हैं, जो मुझे अपना परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से मुझ में मग्न रहते हैं, संलग्न रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्यारे हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, हम इस संसार में न जाने कितने जीवन के लक्ष्य बनाते हैं। मैं खुद सोचता हूँ, इंसान जैसे ही होश संभालता है उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। किसका लक्ष्य? डॉक्टर बनना होता है, किसी का लक्ष्य इंजीनियर बनना होता है, किसी का लक्ष्य एक्टर बनना होता है, किसी का लक्ष्य राजनेता बनना होता है, किसी का लक्ष्य बिजनेसमैन बनना होता है। किसी का लक्ष्य विदेश जाना होता है। सब लक्ष्य होते हैं जीवन के, और बहुत उसके लिए मेहनत करते हैं। किसी का लक्ष्य सरकारी ऑफिसर बनना होता है, कलेक्टर बनना होता है, कमिश्नर बनना होता है। ये सब लक्ष्य होते हैं जीवन के, और वो बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते 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 वो बन भी जाते हैं। और उस पोस्ट पे, उस जॉब पर,
या उस क्षेत्र में, उस फील्ड में वो जिंदगी के 50-60 साल तक रहते हैं। नहीं, सरकारी नौकरी की भी मेरे ख्याल 58 या 60 ईयर तक रिटायरमेंट है। फिल्म के हीरो का भी जीवन 20-25 साल तक, फिर तो उसको करेक्टर एक्टर में आना है। हीरोइन का जीवन भी 10-15 साल तक, फिर तो उसको हीरो की माँ बनना है। डॉक्टर इंजीनियर भी एक वक्त आते हैं जब बुढ़ापे में रिटायर्ड हो जाते हैं। समय के साथ इनसे वो कुछ पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, वाहवाही कमाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, कारें, मोटर गाड़ियां, ये सब हो जाता है उनके पास। लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ पड़ा रह जाता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। इसका उदाहरण दूंगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने दो। एक बहुत मैं बचपन से कहावत सुनता आ रहा हूं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने दो। ये तो ऐसा ही है कि किसी होटल में गए, खाया नहीं पिया नहीं कुछ नहीं किया, गिलास टूट गया, बोला बिल दो। ऐसे ही सब कुछ तो यहां पड़ा रह गया। इवन हमारे रिश्तेदार भी, और कर्म के फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। संसार पता है कैसा है, समंदर के किनारे पर बहुत सारी चीजें तैरती है, आपने देखे होगा, उसमें खाली बोतलें होती है, खाली टीन होते हैं, कुछ डब्बे पाकेट, बहुत सारी चीजें समंदर के किनारे, आप कभी गए होंगे सी साइड पे, तो तैरती होती है। उसमें क्या होता है, एक मौज आती है तो उन सब चीजों को एक साथ जमा कर देती है, इकट्ठा कर देती है, एकत्रित कर देती है। लेकिन जब वो मौज जाती है तो सब चीजें फिर से बिखर जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी समय आता है जब सब चीजें इकट्ठी हो जाती है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बच्चे परिवार प्रॉपर्टी घर डिग्री एजुकेशन नाम शोहरत वाहवाही, ये सारी चीजें एक मौज आती इकट्ठी हो जाती है, और उस मौज का नाम है जिंदगी। लेकिन एक मौज दूसरी आती है, मृत्यु, वो सब इसे बिखेर के चली जाती है। सब चीजें अलग 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 हो जाती है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में उसका ऐसे उदाहरण दिया है कि दो लकड़ी के टुकड़े पानी में तैरते हैं, कभी जुड़ जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं। ऐसे सब अपने 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 प्रारब्ध से जुड़े, और जब मृत्यु की आंधी आई तो सब उड़ गए और जीव अकेला हो गया। मनुष्य अपने भविष्य को बनाने के लिए, मैं खासकर अपना युवा बच्चों से कहता हूं कि वो सोचता है मैं MBA कर लूं, CA कर लूं, IIT में चला जाऊं, IIM कर लूं, सब कर लूं, और करना चाहिए, बुरी बात नहीं, मैं तो कहता हूं जरूर पढ़ो। मैं अपने हर विद्यार्थी को कहता हूं पढ़ो, जरूर पढ़ो। लेकिन इन सारी किताबों को जब पढ़ते हैं ये सोच के कि इससे हमारा भविष्य बन जाएगा,
और अवश्य पढ़नी चाहिए, मैं उसको कभी मना नहीं करता हूँ पढ़ने से। मैं तो कहता हूँ बड़ी बड़ी डिग्रियां लो, लेकिन एक भूल हो जाती है हमसे, उस भूल को सुधारना। एक भूल हो जाती है और उस भूल को सुधारना, और उस भूल को कैसे सुधारना कि जब हम ये किताबें पढ़ते हैं, अपने कोर्स की किताबें, अपने सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं, और ये सोच के कि इन किताबों को पढ़ने से हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, तो साथ ही साथ एक और किताब भी पढ़ लो, ये भी अपने कोर्स में रख लो प्लीज, भगवद गीता। वो किताबें जो हम पढ़ते हैं इस उम्मीद पे कि इससे हमारा भविष्य सुधर जाएगा, वो इंसानों ने लिखी है, और ये गीता इंसानों को बनाने वाले भगवान ने लिखी है। तो जब ये किताबें पढ़ने से हमारा भविष्य बन सकता है, तो इसको पढ़ने से हमारा भविष्य कैसे नहीं बन सकता है? इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं तुम मुझे अपना परम लक्ष्य बनाओ और भक्ति के अमर पथ पे चलो। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यहां पर जब तक हम पूरी तरह से कोई डिग्री नहीं ले लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप 9th में पढ़ाई छोड़ दो तो आपको मैट्रिक नहीं कहा जाएगा, आप 12th में पढ़ाई छोड़ दो तो आपको ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएट नहीं कहा जाएगा। इंजीनियरिंग के 2 पेपर भी नहीं दोगे तो आप इंजीनियर नहीं कहलाओगे, MBBS के 2 पेपर भी नहीं दोगे तो आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे, क्योंकि जब तक वो पूरी डिग्री ना हो। लेकिन यहाँ कृष्ण कहते हैं इस रास्ते पे, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं थोड़ा भी, स्वल्पम अपि, भक्ति के रास्ते पे आप थोड़ा भी चलोगे तब भी आपका बुरा नहीं हो सकता है। ये भक्ति की डिग्री अगर आपने पूरी न भी ली और भक्ति की डिग्री अधूरी भी रह गई तो भी आपका बुरा नहीं होगा, आपका भला ही होगा, आपका कल्याण ही होगा, कृष्ण आपका भला ही करेंगे, आपका भला होगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप एक बात को याद रखिए कि कृष्ण हमारा परम लक्ष्य है, बाकी जो करना है संसार में वो करना ही है, लेकिन लक्ष्य कृष्ण को रखो कि ये सब करते 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 करते, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको समझो, कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, फिर वो पहली पढ़ते हैं, दूसरी में जाते, दूसरी से तीसरी में जाते, तीसरी से चौथी में जाते, चौथी से मैट्रिक में जाते, मैट्रिक से ग्रेजुएशन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ध्यान किधर होता है? डॉक्टरी पे, कि मुझे डॉक्टरी करनी है। वो जो भी पढ़ते हैं लेकिन वो इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए संसार में जो भी करते हैं लेकिन ध्यान उसका डॉक्टरी की डिग्री पे होता है, वो लक्ष्य होता है। ऐसे आप लक्ष्य कृष्ण बनाओ, आप जो करो, नौकरी करो, पढ़ाई करो, एजुकेशन करो, जो भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान कृष्ण का होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य कृष्ण है। और जब मेरा लक्ष्य कृष्ण है तो मुझे कृष्ण के मार्ग पे चलना है, और कृष्ण का मार्ग क्या है उसको कहते हैं, जैसे आपके घर के रास्ते का कोई नाम होगा ना, आपके घर के रोड का कोई नाम होगा, आपके घर के रास्ते का कोई तो नाम होगा,
ऐसे ही कृष्ण के घर का क्या नाम है, कृष्ण के घर के रास्ते का क्या नाम है, आपके घर के रास्ते का कोई ना कोई रोड का नाम तो होगा ना, एक्स वाई जेड रोड, एक्स वाई जेड मार्ग, है ना। ऐसे कृष्ण के घर के मार्ग का क्या नाम है, भक्ति, डिवोशन। और वो कैसे की जाती, आसान, पत्रम पुष्पम फूलम। कृष्ण कहते हैं मुझे मुश्किल काम नहीं है, मेरी भक्ति के लिए चार चीजें करो। कृष्ण कहते हैं मनमना भवमत भक्तो याजी माम नमस्कुरु नाम एव यस यस सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तुम मेरे पास ही आओगे। तुम मेरे पास ही आओगे, बस। ये मेरा वादा है, कृष्ण कहते मेरा प्रॉमिस है। इसलिए इस भक्ति के रास्ते पे चलने का प्रयास करो, और आसान तो है, कोई मुश्किल नहीं। सत्संग सुनो, अब आप सत्संग सुन रहे हो, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आसान है। हरि कथा कीर्तन करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, कथा करो, और हरि का नाम लो, हरि शरण लो, हरि आश्रित रहो। मेरी माता बहनों मित्रों, अभी ये कोरोना काल है, मेरा मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। लोग मर रहे हैं, टीवी पे देखो समाचार न्यूज़, आज केस 16,000 हो गए, आज केस 15,000 हो गए, आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, आज इतने मर गए हॉस्पिटलों में, आज ऐसे हो गया वैसे हो गया। इससे लगता है कि संसार कितना दुखी है इस समय, और कोई उपाय नहीं दिखता है, भगवान भरोसे है सब। डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं, साइंटिस्ट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ऐसे में मनुष्य कितना लाचार लगता है, कितना बेबस विवश लगता है इंसान। सब साधन होने के बाद भी कुछ नहीं है उसके पास, आप देखिए तो सही, प्लीज, कुछ नहीं है, सब फेल हो गया उसका साधन। ये मिसाइलें, ये एटम बम, ये रॉकेट जो अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं बड़े बड़े देशों ने, कहाँ आज सुरक्षा कर रहे हैं वो सब चीज़ें। ये कोरोना ऐसा घुस गया है कि सारे सुरक्षा के साधन समाप्त हो गए इंसान के। समझिए हम कुछ भी नहीं है, हमारे साधन कुछ भी नहीं है, हमारी प्रगति कुछ नहीं है, कोई डिग्रियां सब धरी की धरी रह गई। आज बड़े बड़े डॉक्टर धरे के धरे हाथ पर बैठे, क्या करें, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं। बड़े से बड़े साइंटिस्ट सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो इंसान जितना शक्तिशाली दिखता है लेकिन है नहीं, समय पे पता चला वो इतना ही कमजोर है। प्लीज कृष्ण को साथ रखिए, फायदे में रहोगे। किस गली में किसके लिए अनहोनी खड़ी है कोई नहीं जानता है। भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप सबों की रक्षा करें, आप सब सुरक्षित रहो, और सब भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण।